गुड मॉर्निंग बच्चों, पहले सो हम लोग लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है। और उसमें 1 का अंबर तक जो है सो उसमें क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। उसके बाद आज दूसरा नंबर जो है सो क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। चलिए उसका क्वेश्चन के आंसर शुरू करते हैं। देखिए दूसरा नंबर दिया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। इसमें क्या करना है, कौन सत्य है कौन असत्य है, इसमें क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। कितने लड़कियों के पास जो है भूख नहीं है, ठीक है, जिनके पास भूख नहीं है भूख ले लीजिएगा, इसीलिए हमको क्वेश्चन भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो भूख भी बहुत ही जरूरी है, भूख पहले आप लोग लीजिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। चलिए लिख रहे हैं कॉलम और का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फॉर्म है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ये क्या है, सत्य है कि असत्य है, जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल क्या है तो असत्य है। क्या लिखेंगे इसके सामने, असत्य, ठीक है। उसके बाद जो है सो फॉर नंबर जानेंगे, फॉर नंबर है कुक, कोक कार्बन का, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है, ठीक है। तो क्या है, कोक जो है सो कार्बन का जो होता है यह शुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो यह क्या है, यह सत्य है, क्या है यह सत्य है, ठीक है, सही है। कोक कार्बन का ही मिश्रण होता है, कार्बन का ही शुद्ध रूप होता है। उसके बाद में सो दो नंबर में हम जानेंगे पेट्रोल की अपेक्षा, पेट्रोल अपेक्षा, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक
ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, ये क्या है? बिल्कुल असत्य है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल से जो है सो काफी प्रदूषण फैलता है, ठीक है, ये जो है सो काफी प्रदूषक है, लेकिन सीएनजी जो है ये क्या है? ये प्रदूषक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक होता है, तो यह क्या है? यह असत्य है, असत्य, क्योंकि सीएनजी जो होता है यह कम प्रदूषक है। आजकल जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखिएगा कि अब सारे गाड़ियां जो है सो सीएनजी के माध्यम से, सीएनजी ईंधन के माध्यम से ही अब चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे भाव के बारे में। भाव क्या दिया है? भाव में दिया है बरौनी में तेल का कुआं है। बरौनी में देखिए तेल का कुआं नहीं है, वहां कुआं से तेल निकाला जाता है ऐसा नहीं है। बरौनी में क्या है? बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, वहां जो है सो कच्चे जो तेल निकाला जाता है वहां पे क्या किया जाता है? उस बरौनी में जो है सो जो तेल शोधक जो कारखाना है उस जो है सो कारखाने के माध्यम से क्या किया जाता है? जो कच्चे तेल होता है उसका शुद्धिकरण रिफाइनिंग किया जाता है, तब जो है सो अनेक जगहों पर उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह क्या है? असत्य है, असत्य। यह भी क्या है? असत्य है। उसके बाद अंगा नंबर में है कुलतार, कुलतार कुलतार विभिन्न पदार्थों का है। कोलतार जो है सो यह क्या है? विभिन्न प्रकार का मिश्रण होता है। कोलतार को क्या कहते हैं? कोलतार ये क्या है? यह जो है सो विभिन्न पदार्थों का यह मिश्रण होता है, ठीक है। यह भी क्या है? यह सत्य है। कोलतार के मतलब क्या होता है? जो अलकतरा जो होता है, जो रोड पीच वगैरह बनाया जाता है उसी में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? यह मिश्रण होता है, ठीक है। ये जो है सो दूसरा का क ख ल घ अंग, यहाँ तक हम लोग जान चुके और समझ चुके, तो आप भी इसको फेयर कॉपी में अच्छा तो बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।